हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे नान खटाई। ये एक बहुत ही फेमस इंडियन कुकीज़ है। इसे हम आसानी से कैसे हेल्दी तरीके से बना सकते हैं, इस वीडियो में आज हम देखेंगे। मैंने इसके लिए गेहूं का आटे का इस्तेमाल किया है। तो ये होल व्हीट फ्लावर लिया है मैंने और बेसन लिया है। ये है बेसन, देखिए एक छोटी कटोरी लिया। ये रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने गार्निशिंग के लिए, आमंड लिया। ये पाउडर चीनी, ये भी एक छोटी कटोरी। और ये है होल व्हीट फ्लावर यानी गेहूं का आटा। अभी इसके पहले सबसे पहले एक डो तैयार कर लेंगे नान खटाई के लिए। इसके लिए मैंने पहले ऑयल डाल दिया, एक छोटी कटोरी ऑयल लिया है। और बराबर उसके हिसाब से मैंने लिया है चीनी, चीनी को पहले से पीस के रखा है। ये है पाउडर्ड शुगर। तो आप नान खटाई कैसे भी बना सकते हो, मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या तो इसमें थोड़ा सा भी सूजी ऐड कर सकते हो। मैंने सिर्फ गेहूं का आटा लिया है और बेसन ऐड किया है और कुछ नहीं डालूंगी इसमें। मैंने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करूंगी। ये देखिए, इसको अच्छे से मिला लेना है ताकि ये मिक्सचर गरी ना बन जाए और एकदम फुली फुली फ्लफी ना हो जाए। तब तक इसको मिलाते रहना है अच्छे से। ये जो नान कटाई है हम बिना ओवन के भी बना सकते हैं। आज मैं इसको कैसे हम कढ़ाई में बना सकते हैं ये दिखाऊंगी वीडियो में। आप चाहिए तो प्रेशर कुकर में या तो कढ़ाई में बिना ओवन के भी इसका मज़ा ले सकते हो घर पे बना के। ये देखिए, थोड़ा सा ये फुली फुली दिख रहा है। अभी मैं एक एक करके बेसन और जो मेरा आटा है, आटा थोड़ा सा ज़्यादा लिया एक बड़ी कटोरी, बेसन एक छोटी कटोरी, दोनों को मैंने मिला लिया। सिर्फ हाथों के हेल्प से इसको अच्छे से अभी गूंद लेना है। मैंने दोनों को एक साथ डाल के थोड़ा सा मिला लिया और अभी इसको गूंद के अच्छे से इसका डो बना लेना है। और एकदम जो मेजरमेंट है इसको बराबर रखना है। आप चाहिए तो इसमें एक पिंच सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो। इसमें भी बहुत बढ़िया टेस्ट जो मीठा से खुल के आता है। इसको अच्छे से गूंद लिया है मैंने। देखिए इसका पूरा ये एकदम जम नहीं जाएगा, ये कैसे छोड़ गया है। इसका कंसिस्टेंसी टेक्सचर सिर्फ इसके हिसाब से रखना है। और इसको छोटे छोटे जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं एकदम पूरी बनाने के टाइम पे, ऐसे बनाते लेना है। और एक प्लेट में छोटा छोटा पूरी जैसा डो बना के निकाल लेना है। एक प्लेट से मैंने इसको बना के एक प्लेट में रख दिया है। और इसको हम गार्निश करेंगे। जो मेरे पास चॉप्ड आमंड है मैंने इसको दो टुकड़े में काट के रखा है पहले से। इसका ऊपर मैंने आमंड चिपका दिया, एक एक करके इधर पांच छह ऐसे लेई बना लिया मैंने। अभी इसको मैं बेक्ड होने के लिए, मेरा जो कढ़ाई है इसको पहले से मैंने 5 मिनट प्री हीट करके रखा है। देखिए गैस चालू है और ये कढ़ाई के ऊपर मैंने एक स्टैंड रखा है वायर वाला, और ये प्री हीट हो चुका है करीब 5 मिनट। अभी ये जो नान कटाई का प्लेट है अंदर डाल दिया मैंने, फिर से ढक्कन लगा के इसको ऐसे बेक्ड होने देना है। करीब 15 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने देना है। एकदम लो मीडियम फ्लेम पे आँच को रखना है। गैस आप हाई फ्लेम पे कभी मत रखिएगा, नहीं तो नीचे के पोर्शन जो है जल जाएगा, काला दिखेगा। ये देखिए 15 मिनट हो गया, नान कटाई रेडी हो गया। अभी मैंने गैस बंद कर दिया और ऐसे 2-3 मिनट इसको स्टैंडिंग टाइम दिया ताकि ये आसानी से निकल जाए और अंदर तक ये पक जाए। ये पूरा देखिए कैसे ऊपर एकदम फुली फुली हो गई, अच्छे से बेक्ड हो चुके हैं। अभी इसको एक प्लेट में मैं निकल लूँगी। अगर ज़्यादा देर तक इसको पकाएंगे तो नीचे से भी जलने का चांस है। पर ये देखिए नीचे का पोर्शन अच्छी तरह से बेक हो गया, लग रहा है कैसे ब्राउन हो गया थोड़ा सा। और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी है, एकदम मुंह में घुल जाने वाले कुकीज़ है। तो इसको हम आसानी से घर पे बना सकते हैं, हेल्दी तरीके से आप बना सकते हो। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसको ठंडा होने के बाद एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।